जबकि हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ नजर सानी अपील भी दायर कर दी गई है, जिस पर समाअत हुई आज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अपील किसी और दिन सुन लेंगे, मौसम सरमा की तातीलात के बाद केस सुनेंगे। दरख्वास्त में अदालत 24 अक्टूबर का दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का हुक्म कलअदम करार देकर शहबाज शरीफ की रिहाई की इस्तदा भी की गई है। मजीद तफसला जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर शाकिर से। जी उमर जी, लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत मौसम की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी और जस्टिस मिर्जा वकास रॉफ की पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने आज दरख्वास्त की। एके डोगर एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौका भी इख्तियार किया गया कि लाहौर हाईकोर्ट ने 24 अक्टूबर को गैर कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। तहम इंक्वायरी मुकम्मल और जुर्म साबित होने से कब नैब का मुलजिम को गिरफ्तार करना आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने निशानदेही की कि शहबाज शरीफ को आशियाना केस में इंक्वायरी मुकम्मल होने से कबल गिरफ्तार किया गया, जो कि फेयर फ्री एंड फेयर ट्रायल पर मबनी नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त अदालत से इस्तदा की कि अदालत सिंगल बेंच के फैसले को कल अदम करार दे और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत से मुतल्लिक जारी किए गए फैसले पर नजरसानी करे। ये दरख्वास्त समाअत के लिए मौसम सरमा तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। उमर शाकिर, बहुत शुक्रिया।